बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बनाऊंगी अरबी चिकन ग्रेवी के साथ। और इसके लिए चिकन लिया है मैंने 1 किलो, और अरबी है आधा किलो, 2 अदद टमाटर जाएंगे इसमें, 2 प्याज, 6 से 7 हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, थोड़ा सा जाएगा 2 चम्मच इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच चाहिए और हल्दी भी 1 खाने का चम्मच, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और सबसे पहले मैंने चिकन को धो के रख लिया है और अरवी को छील के और इसे नमक लगा के तो ये मैं रख लूँगी। रहीम, अब करती हूँ कुकिंग स्टार्ट। और इसके लिए पहले देखिए मैं डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप, और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 2 प्याज और लहसुन और अदरक जो मैंने लिया था उसे। इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी मसाले को ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा इससे। ठीक है जी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और हरी मिर्च जी। जब इस तरह प्याज का कलर भी चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन आना शुरू हो जाए कलर, तो फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। 2 टमाटर जो मैंने लिए थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं इस तरह साबुत भी डाल दूंगी और क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी और फ्राई करने के बाद इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी। जी व्यूअर्स, मसाला इस कंडीशन में आ चुका है कि इसकी मैं ग्रेवी जो है वो बना लूँ और वो इसको ग्राइंड कर लूँ। ये कंडीशन इसकी अब हो चुकी है और इसको अब मैं डालूँगी जग में मसाले को। जी मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया और अब उसी देखते हुए मैं थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा कलर आने देंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। ये लहसुन हो चुके हैं, अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। इसे लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। जी जब तक चिकन फ्राई हो रहा था इतने में मैंने अरबी को छील के अच्छी तरह से काट के और नमक लगा लिया और इसे अब 15 से 20 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। फिर अच्छी तरह इसे मसल के तो मैं ये धो लूँगी, धो के तो फिर इस्तेमाल करेंगे। जी चिकन भी तकरीबन हो चुका है, 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई किया लहसुन के साथ। अच्छा, लहसुन के साथ फ्राई करने से ये होगा कि चिकन की एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। कि आप जब भी चिकन पकाएं, चिकन की कोई भी चीज़ बनाएं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लहसुन में फ्राई ज़रूर कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी काम की टिप है, इसको आप ज़रूर इसके ऊपर अमल भी करें। और यहाँ अब मैं शामिल करूँगी इसमें जो ग्राइंड किया था मैंने मसाला, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ जग में ताकि ये सारा इसमें शामिल कर। अच्छा, अपना अपना तरीका होता है। बाज़ लोग जिनसे हैं वो लहसुन अदरक जिनसे ना वो कच्चा भी जिनसे उसे भी ग्राइंड करके तो फिर इस्तेमाल करते हैं, उस तरह भी कर लें तो ठीक है, लेकिन मेरा तरीका कार जो ना वो ये है और इससे यकीन करें कि ग्रेवी के टेस्ट में भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आप ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगती है आपको इस तरह की ग्रेवी तैयार हुई। नमक डालूंगी अब मैं इसमें, 2 चम्मच लाल मिर्च के और 1 चम्मच हल्दी का, और इससे क्योंकि फ्राई तो हो चुका है अब इसे थोड़ा सा मैं और पकने दूंगी ताकि ये जो मैंने मसाले के साथ पानी थोड़ा सा डाला है वो खुश्क हो जाए।
कि चिकन हमारा हो चुका है, बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है हंडिया में। अब मैं अरवी धो के तो वो इसमें शामिल करूँगी। और अरवी जो है वो थोड़ी सी लेसदार होती है, इसलिए इसे ना मसल के तो फिर आप धोएं ताकि इसकी लेस जो है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी अरवी। जी अरवी के साथ भी इसकी भुनाई हो चुकी है चिकन की। और अब मैं डालूंगी इसमें एक कप के करीब पानी, बल्कि दो कप पानी डालें और पकने के बाद वो एक कप रह जाए। जी पानी डाल दिया मैंने इसमें दो कप के करीब, और ये पक के थोड़ा सा जंग सा है, एक कप रह जाएगा तो फिर चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च साबुत, और एक चम्मच जो हमारे पास था पिसा गरम मसाला वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ताकि ये भी इसमें पक जाए और इसका फ्लेवर जो उनसे मिर्चों का इसमें शामिल हो जाए। ठीक है जी, और इसे अब कवर कर देती हूँ, पकने के लिए रख देती हूँ। और अब हमारे पास टाइम हुआ है आपके साथ बहुत ही प्यारी बात शेयर करने का, तो वो ये है कि जी जब हम तन्हा होते हैं ना, तो तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक नफ्स की बात मान लें या फिर अल्लाह की। तन्हाई में हम गुनाह कर सकते हैं या इबादत भी, हम थोड़ी देर की लज्जत भी पा सकते हैं या जिक्र अल्लाह से सुकून भी, हम किसी गुनाह के लिए भी रो सकते हैं या फिर अल्लाह की याद में भी आंसू बहा सकते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मगर वो ज़ात तो देख रही है ना। उस खालिक को पता है कि कौन तन्हाइयों को गुनाह से भर रहा है और कौन नेकियों से, कौन उसकी नाराज़गी मोल ले रहा है और कौन रजा मांग रहा है, कौन अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहा है और कौन नहीं। एक बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर अपना ईमान का लेवल चेक करना है ना, तो अपनी तन्हाइयों को देखो कि क्या कर रहे हो। तन्हाई पाक कर लो तो अल्लाह की मोहब्बत और रजा पा लोगे। जी व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत बात, और अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल भी करने की तौफीक दे। और चलें जी, अब हमारी जो है सालन, इसको भी मैं और पकने दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी ग्रेवी हो चुकी है तैयार, और अब मैं करूंगी चूल्हा बंद और इसमें डाल देती हूँ धनिया थोड़ा सा, और अच्छी तरह से मिक्स करके। ऑयल भी देखिए ऊपर आ चुका है, ये देखें साइडों पे, इसका मतलब है कि सालन हो चुका है बिल्कुल तैयार, अरवी और चिकन ग्रेवी बना। ठीक है, और अब मैं इसे करूँगी डिश आउट। जी व्यूअर्स, अरवी चिकन जिन से हमारा ग्रेवी के साथ रेडी है, बहुत मज़े का। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया डाल देती हूँ तो इसकी लुक जो उनसे वो और भी जमी हो जाएगी। जी उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।